आज 2 अप्रैल 2022 भारत में शनिवार है। इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज का दिन विशेष भारतवर्ष में कई स्थानों पर गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की शुरुआत होती है। तो चैत्र मास का पहला दिन इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। पूरे साल में ऐसे मानते हैं कि 3.5 मुहूर्त शुभ होते हैं, जिसमें एक अक्षय तृतीया होता है, फिर दिवाली का एक दिन होता है और ये आज का दिन। तो बहुत सारे शुभ काम की शुरुआत करते हैं। लोगों के अंदर ये मानना है कि जब साल की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा वर्ष अच्छा जाता है। एक बिलीफ है ये, और इसीलिए आज के दिन नई नई चीजें खरीदते हैं, जैसे घर खरीदते हैं या और कोई चीज खरीदते हैं। तो बड़ा ही शुभ दिन है। इसका आध्यात्मिकता में कनेक्शन ऐसे दिखाया है कि रावण के ऊपर विजय है ना, विजय पताका लहराते हैं, मानो विजय का झंडा लहराते हैं। तो महाराष्ट्र में विशेष एक डंडा लेके उसके ऊपर एक लोटा और उसके ऊपर कुछ वस्त्र आभूषण, विशेष करके माताओं की साड़ी होती है, और भी हो सकते हैं श्रृंगार। और हर घर के सामने ये विजय पताका या विजय का झंडा, या इसको लोकल शब्द है गुड़ी, ये खड़ा करते हैं और इसको मनाया जाता है। तो बेसिकली ये हमारा माया के ऊपर विजय का यादगार है। तो बहुत ही पॉजिटिव वायुमंडल रहता है और बहुत सारे सेंटर पर विशेष भोग लगता है आज के दिन। तो नया साल की सभी को मुबारक हो। अगर आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखा जाए तो इसका विशेष अर्थ यह है कि हर दिन, और बाबा ने तो कहा हर क्षण नया होना चाहिए। नया जन्म है, नया ज्ञान है, तो नया युग भी है। और इस सबसे वैल्यूएबल डायमंड समान युग का हर क्षण अमृत समान है। वैसे तो अमृत वेला सुबह होते हैं जब नींद पूरी होती है और वायुमंडल का सहयोग होता है। हमने गुण त्रय विभाग में देखा, गुण त्रय विभाग योग जो 14वां अध्याय है, कि कैसे सतोगुण या सतो प्रधान समय होता है, तो उस समय सबसे ज्यादा सहयोग मिलता है। लेकिन अगर अवस्था अच्छी है तो हर क्षण इसका अनुभव कर सकते हैं। तो हर क्षण नया हो, हर दिन नया हो, ये बहुत ही ऊंची अवस्था है। और ऐसी आत्माएं निरंतर याद में रहते, खुशी में रहते हैं। तो हमारे लिए अगर गहराई में देखा जाए तो हर दिन गुड़ी पाड़वा है, हर दिन होली है, हर दिन दिवाली है। लौकिक में एक गीत है कि तुम साथ हो तो हर दिन मेरी होली है और हर दिन दिवाली है। तो जहाँ बाबा है, बाबा का साथ है, वहाँ हर क्षण हमारे लिए उत्सव है। और बाबा ने कहा था कि जहाँ उत्सव का लक्षण है उत्साह,
जो कि आजकल के मनुष्यों में बहुत कम दिखाई देता है। इसलिए ज्यादातर लोग डिप्रेशन में रहते, उदास रहते, क्योंकि उत्साह नहीं है। अंग्रेजी में एंथुजियाज्म कहते हैं, जो आया है एंथियोस, थियोस माना परमात्मा, एन माना अंदर, जिनके अंदर परमात्मा की शक्ति है वही उमंग और उत्साह में रह सकते हैं। तो ये भी एक अवस्था है आज की। मुरली अगर गहराई से देखा जाए, बहुत बहुत गुह्य है। बाबा ने कहा कि केवल केवल बाबा के कुछ ही बच्चे जिनकी बुद्धि अच्छी है वो इस राज और रहस्य को जान सकते हैं। हम डेली मुरली के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया वालों को ये समझना कठिन है कि कैसे सरस्वती जो है ब्रह्मा की बेटी है, क्योंकि दुनिया की जो बुद्धि है वो हद में है, बॉडी कॉन्शियस है ना। तो सब कुछ हमारे अंदर के ही जो विचार है, भावनाएं हैं, हमारी समझ है, उस आधार पर हमने द्वापर युग में शास्त्र लिखे हैं, जिसमें सरस्वती को ब्रह्मा की बेटी कहने के बजाय पत्नी कह दिया। तो बाबा ने ये कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर कर दिया है। अभी ये क्यों हुआ? क्योंकि कुछ बॉडी कॉन्शियस लोगों ने देखा कि ये दोनों के फोटो है, ब्रह्मा और सरस्वती के। तो लौकिक बुद्धि कार्य करती है। तो द्वापर युग में जब बॉडी कॉन्शियस थे, तब उन्होंने सबकी जोड़ियां बना दी है ना, शंकर और पार्वती की और लक्ष्मी और नारायण की, जिसको विष्णु कहते हैं, और ऐसे ही ब्रह्मा और सरस्वती की, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग था। लेकिन यथार्थ ज्ञान को भूल गए, जो बाबा याद दिला रहा है कि हम सब मुख वंशावली है, मुख वंशावली है, ना कि कुख वंशावली। तो ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हमारा जन्म है। तो बड़ी माँ ब्रह्मा है और ब्रह्मा के द्वारा ही सरस्वती का जन्म हुआ, इसलिए सरस्वती उनकी बेटी है। तो ये कन्फ्यूजन अगर यहाँ पर क्लियर नहीं किया, तो इसी स्मृति के साथ बहुत बाबा के बच्चे द्वापर में जाके ये कन्फ्यूजन फिर से वहां फैलाने वाले, और इसमें बाकी के आत्माएं भी सहयोगी देंगे जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी के बारे में पढ़ा है, न्यूज़पेपर में अच्छी तरह से जानते नहीं है, तो ये उसमें एडिशन हो जाता है। और फिर ये कन्फ्यूजन मूझते हैं कि ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती या पत्नी है, तो ये जोड़ी दिखाई है। और इसका कारण है कि इस समय हमने ये मुरली के राज को नहीं समझा, इसलिए बाबा कह रहा है कि ये रहस्य और राज को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो जो भी बाबा के बच्चे सोल कॉन्शियस है, देही अभिमानी है, उनके लिए ये समझना बहुत सहज है कि परमात्मा को नई रचना रचनी थी तो पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, और ब्रह्मा के द्वारा सभी की रचना की है, तो ब्रह्मा हो गया मास्टर रचयिता और सभी की बड़ी माँ। अब पिता तो शिव बाबा है। तो ये बहुत गुह्य बात है, इसको अच्छी तरह से बुद्धि में बिठाना चाहिए। धारणा की बात अगर पूछो, तो बाबा ने एक बहुत बड़ा रहस्य आज की मुरली में बताया हुआ है। जो भी बाबा के बच्चे कहते हैं कि इतना समय हुआ लेकिन हम अभी तक उड़ती कला का अनुभव नहीं कर पा रहे, ऐसे नहीं कि हमसे कोई पाप कर्म हो रहे हैं, हम मोटे रूप में सब देख रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, शाम का योग कर रहे हैं, खाने पीने के ऊपर अटेंशन है, लेकिन ये छोटे छोटे विकर्म है ये भी हमको उड़ने नहीं देंगे। पहले भी देखा कि बड़ी चेन से बांध दिया है पंछी को या छोटी चेन से बांध दिया है, आप लोहे की चेन से बांध के रखो या सादे धागे से भी बांध के रखो तो भी उड़ नहीं पाएगा पंछी, है ना, क्योंकि बंधन बंधन होता है, विकर्म विकर्म होता है। तो यहाँ पर बाबा ने आज वरदान में इतनी डीप बात कही है, मुझे लगता है हर बाबा के बच्चों को इसके ऊपर बहुत गहरा अटेंशन देना चाहिए, स्पेशली जो माला में आने का लक्ष्य रखते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले ही बाप समान बन सकते हैं। तो सूक्ष्म चेकिंग चाहिए,
बाबा ने हमको विधि बताया चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। चेक क्या करना है कि मेरे कॉन्शियस माइंड में कौन से संकल्प आते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस में जाने के लिए बहुत अच्छी अवस्था चाहिए। तो कॉन्शियस माइंड में मेरे क्या थॉट्स है और वो कहाँ से आ रहे हैं, उसको चेक करना चाहिए और तभी हम चेंज कर पाएंगे। अगर मुझे पता ही नहीं कि ये पाप कर्म है तो फिर बहुत मुश्किल है। और इसीलिए ये भाई बहने जो कहते हैं कि पता नहीं क्या होता, हम बीज रूप स्थिति का अनुभव नहीं कर पा सकते या कर पाते हैं, या हम लगन में मगन अवस्था का अनुभव नहीं कर पाते हैं। और इसका कारण बाबा ने बताया, कोई भी असत्य या व्यर्थ बात देखी सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाई, दिल में समाया नहीं। तो यह व्यर्थ बातों का फैलाव यह भी पाप का अंश है, माना बड़ा पाप नहीं है, अंश है, लेकिन यह अंश भी क्या कर देता है, पूर्ति कला के अनुभव को समाप्त कर देता है। और इतनी डीप बाबा ने बात कही कि ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वाले पर उससे ज्यादा पाप चढ़ता है। तो चेक करें, क्या हम किसी ऐसी असत्य या व्यर्थ बात को देखा, पहले तो देखा, देखा तो भी अंदर चला गया, है ना, अंदर चला गया माना उसने इम्प्रेशन क्रिएट किया अंदर, आत्मा के ऊपर छाप डाल दी अपने। तो देखा कोई गड़बड़ कर रहा है या कोई ऐसा कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो अंदर चला गया। इसलिए बाबा कहता है देखते हुए भी नहीं देखो, बाबा की श्रीमत है, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, तुम व्यर्थ बातों से किनारा कर दो। ये बाबा की स्पष्ट श्रीमत है, क्योंकि बाबा को पता है एक बार अंदर गया किसी भी इंद्रियों से, आंखों से, कानों से, तो फिर वो अपना छाप डालेगा। इसलिए जैसे अवस्था अच्छी बनती जाती है तो योगी आत्माएं डिटैच होने लगती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि ये सब बातें मेरी संपूर्ण पवित्रता के ऊपर दाग लगाने वाली है, मुझे अशरीरी होने नहीं देंगे। साकार में जब थोड़े लोग थे यज्ञ में तो कचहरी चलती थी, आपने सुना होगा, तो मम्मा विशेष करके रात को सोने से पहले पूछती थी, क्या पूछती थी कि आज किसी ने अवगुण देखा, अवगुण तो छोड़ो व्यर्थ देखा सुना। तो इतनी सच्चाई थी दादियों में उस समय के आत्मा में, सीधा बोल देते कि हाँ मैंने देखा, नहीं तो आज के जैसे नहीं है, छिपाते हैं, बड़ा पाप करके भी छिपा देते। वहाँ कितनी सच्चाई सफाई होगी मम्मा के सामने। तो जिसने देखा उसका नाम बोर्ड पर आ गया, तो बहुत अटेंशन रहता था, क्या अटेंशन रहा होगा इन आत्माओं का कि इसका अवगुण देखा, चित्त पर रखा। एक है पहले देखना, फिर चित्त पर गया, उसके ऊपर आपने सोचा तो दाग को पक्का कर दिया। फिर से इसको अंडरलाइन करो, देखा, अंदर गया, चित्त पर रखा और सोचा, तो आपने और दागी बना दिया आत्मा को। भक्ति मार्ग में गीत है कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, और बाबा की यही विशेषता है कि बाबा किसी के अवगुण चित्त के ऊपर नहीं रखते, इसलिए वो भगवान है। बाबा हमेशा हर बच्चे को संपूर्ण अवस्था में देखते हैं। तो जितनी ऊंची नजर से बाबा हमको देखते हैं, उस ऊंची अवस्था में हम रहेंगे तो सोचो कितना अच्छा अनुभव कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि ये अवगुण चित्त पर रखने से अवस्था खराब हो जाती है। देखो थोड़ा आपको उदाहरण देते समझ में आ जाएगा। लौकिक में एक बीमारी होती है आंखों की, जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। आंखों के अंदर एक सफेद हिस्सा होता है, आपने देखा होगा, बीच में काला होता है, साइड में सफेद, तो उसको सूजन आ जाती है वायरस के वजह से, सीजन होता है इसका। और ये कंटेजियस माना संसर्गजन्य बीमारी है, एक से दूसरे को फैलने वाली है। अगर आपने जिसको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है और उसको देखा आपने, है ना, उसके नजदीक रहे, तो आपको भी वो बीमारी आ जाती है और आपकी आंखें सुबह उठते ही चिपक जाती है, उसमें म्यूकस निकलता है, लाल हो जाती है। तो
ये है देखने का कमाल। अभी इसी कोरोलरी को, इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे। क्या किया? देखा और वायरस अंदर घुस गया, वायरस अंदर घुस गया या बैक्टीरिया अंदर घुस गया, जो भी है वो वैसे ही बीमारी पैदा करेगा जो उस व्यक्ति के आंखों में हुई थी। अभी इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जब किसी व्यक्ति का ध्यान दूसरों के अवगुणों के ऊपर होता है और उसके ऊपर वो चिंतन करता है, तो वो अवगुण ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी आ जाते हैं। अंग्रेजी में, साइकोलॉजी में कहते हैं यू आर व्हाट यू सी। देखा अंदर गया, छप गया। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। कई लोग ऐसे कहते हैं मुझे कि डॉक्टर साहब हम ना एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। रॉन्ग। एक कान से सुनना दूसरे से निकलना असंभव है। दादी, बड़ी दादी ने एक बार क्लास में कहा था, प्रकाशमणि दादी ने, जो समझते हैं एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, वो भूल जाते हैं कि दो कान के बीच में एक दिमाग होता है जो उसका पोस्टमार्टम करता है। देखो कितना अच्छा दादी का चिंतन है। इसलिए सुनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। अगर दिखाई दिया तो बाबा को सुना के हल्के हो जाओ। अभी ये कैसे काम करता है? बहुत ऐसे लगता है इसके ऊपर बहुत कुछ आपको बताया जाए। समय की सीमा को देखते हुए हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि समझो किसी का अवगुण देखा हमने, किसी भी आत्मा को, फिर वो निमित्त हो, सेवाधारी हो, जो भी हो, समर्पित हो, घर गृहस्थी में कुमार कुमारी हो, हमने कुछ ऐसा देखा जो नहीं देखना चाहिए, या दिखाई दिया हमको कि उस समय उस आत्मा के ऊपर माया का वार चल रहा है। अभी ये क्या है? ये बीमारी के जम्स है, अंदर गए आपको भी बीमार कर देंगे। अरे ये ज्ञानी तो आत्मा होकर ऐसा कर रहा है। अभी यहां तक तो ठीक है, कुछ लोगों को इतना तकलीफ होता है कि वे बीमारी के जर्म्स फैलाते हैं, इसको सुनाएंगे उसको सुनाएंगे। अभी क्या किया? देखो कितना बड़ा पाप है। एक तो बीमारी को लिया और उस बीमारी को फैलाया, क्योंकि जिसको जिसको सुना रहे उसका चित्त भी खराब कर दिया। कितना बड़ा बोझा है। ऐसी आत्माएं योग में बिल्कुल अनुभव नहीं कर सकती, क्योंकि अंदर पूरे बीमारी के कीटाणु जम्स भरे हुए हैं। कितने ऐसे एग्जाम्पल आंखों के सामने हैं, केवल ईर्ष्या की वजह से या ये दूसरों के अवगुण देखने की वजह से। ये जो संस्कार है, कई लोगों को पता नहीं क्या इसमें मजा आता है और अपने को बहुत होशियार समझते हैं। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है कि जैसे चटपटी वो भेल होती है, वो चटपटी खाने में बहुत मजा आता है लेकिन उससे शरीर को शक्ति नहीं मिलती है। ऐसी ये बातें सुनना सुनाना बहुत अच्छा लगता है कुछ लोगों को। और ये क्या है? ये रजो और तमो की आघात होता है, अटैक होता है। रजो और तमोगुण की विशेषता है ये सब बातें। यहाँ पे सतो प्रधानता टिक नहीं सकती, क्योंकि पवित्रता खंडित हो गई, खंडित हो गई पवित्रता। आप स्वच्छ नहीं रह सकते, क्योंकि बाबा के ऊपर बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती। तो ये सब बातों में बहुत इंटरेस्ट होता है, फिर वो लौकिक दुनिया की हो या अलौकिक दुनिया की हो। और कई लोग अपना कर्तव्य समझकर ये सब करते हैं, उनको लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा की श्रीमत है, न सुनना है न सुनाना है, दोनों के ऊपर पाप चढ़ जाता है। और फिर कहते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई, पता नहीं क्यों योग में अनुभव ही नहीं होता है। ये छोटे छोटे पाप हमको श्रेष्ठ अवस्था का अनुभव करने नहीं देते हैं। तो डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल जितना अंडरलाइन करना चाहो करो कि इन बातों में मुझे जाना ही नहीं है, है ना। बाबा बैठा हुआ है, जिम्मेवारी बाप की है। तो अगर आप अपने को निमित्त समझते हो तो उस आत्मा को शक्ति देना चाहिए और ये बातें बाबा के सामने रखकर हल्का हो जाना चाहिए, अपने चित्त के ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाप समान बनने में बहुत बड़ा विघ्न है। ये नहीं बन सकते बाप समान, सीधा है, नहीं बन सकते जिसके चित्त में ऐसी निगेटिव असत्य या व्यर्थ बातें हैं। तो अपने आप को युक्ति से इसे अलग कर देना चाहिए। और एक अनुभव के आधार पर आपको शेयर करते हैं कि शुरुआत में
पता नहीं चलता था कि ये सब हो रहा है और क्यों। पर धीरे धीरे जैसे मुरलियों का स्टडी करने लगे, बाबा ने इशारा दिया, तो पूरा अटेंशन अशरीरी अवस्था के ऊपर डाल दिया। तो देखा कि जैसे ही अशरीरी अवस्था में सुख का अनुभव हो रहा है, बाबा से शक्ति ले रहे हैं, ये सब बातों का इम्पोर्टेंस कम होते गया, कम होते गए, ये अनुभव से कह रहे हैं। और अभी लगता है जाना ही नहीं चाहिए, बस बाबा की याद में रहे, क्योंकि बाबा की याद और पॉजिटिविटी में इतनी शक्ति है कि ऐसे लगता है ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। कितने सारे अनुभव आपको सुना सकते हैं। ईश्वरीय सेवा अर्थ बहुत सारे सेंटर पर जाना हुआ और जा भी रहते हैं, जाते रहते हैं समय समय पर, तो कई जगह पर ना ऐसे असंतुष्ट आत्माएं होते हैं, इनका भी ड्रामा में पार्ट है। तो वो क्या समझते हैं कि हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या गड़बड़ चल रही है, और आते हैं क्लास के बाद मिलने को आते हैं और कहते हैं कि सचिन भाई आपको पता नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है। जैसे ही उन्होंने कहा आपको पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है, सचिन भाई दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे आत्मन, महान आत्मा, सचिन भाई जानना भी नहीं चाहते कि यहाँ क्या चल रहा है। अगर आपको लगता है कि यहाँ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, तो अविनाशी सर्जन बाबा है ना, आप बाबा को बता दो। और ये यज्ञ बाबा चला रहा है, बाबा ने सबको निमित्त रखा हुआ है। उनको लगता है कि हम सॉल्यूशन दें, तो सॉल्यूशन यही है, हमने सबको ये कहा है कि माफी मांगो और माफ कर दो, चित्त के ऊपर नहीं रखो, ये मत सोचो यज्ञ का क्या होगा। वो बाबा बैठा है, कितने सारे पेपर आए यज्ञ में, शुरुआत से स्थापना से लेकर कितने बार पुलिस कोर्ट क्या क्या हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, बहुत लोगों ने कहा ये इनका ब्रह्मा चला जाएगा तो ये संस्था चली जाएगी। अभी ब्रह्मा बाबा जाके 1969 कितने साल हो गए है ना, 54, क्या फर्क हुआ, क्या फर्क पड़ा। ब्रह्मा बाबा जाने के बाद तो उल्टा और सेवाएं बढ़ गई है ना देश विदेश में। तो वो ये भूल जाते हैं कि संस्था नहीं है, ये परिवार है, और इसकी स्थापना स्वयं निराकार परमात्मा ने की है और वो ही इसको चला रहा है। तो ये भूल जाते हैं बाबा के बच्चे कि बाबा बैठा है। हाँ, ये अच्छी बात है कि यज्ञ की रक्षा करना चाहिए, लेकिन लॉ हाथ में लेने का कहीं पर भी कुछ नहीं, और ऐसी बातें तो फैलानी ही नहीं चाहिए, समा लेना चाहिए हमको अंदर दिल में, क्योंकि परिवार की बात है ना, परिवार है। अगर हमारे छोटे घर में चार लोग है, कुछ बात होती है तो क्या हम सबको सुनाते रहते हैं बाहर जाके, नहीं ना, ये पाप कर्म है। एक तो आत्मा ऐसी है, बहुत वंडर लगता है कि ऐसे बाबा के बच्चे हैं, पढ़ी लिखी समझदार बड़े पोस्ट पर से रिटायर हुई, ये सब बातें ईमेल पे सबको लिखते रहती है, अभी अंदर वालों को भी लिखती है, बाहर वालों को भी लिखती है। तो अभी इस आत्मा का योग कैसे लगेगा, आप सोचो। ये तो आपको उदाहरण सुनाया कि ऐसे बाबा के बच्चे अंदर से जो असंतुष्ट रहते हैं, उनको लगता है कि हम छोड़ेंगे नहीं कि इसको, ये क्रोध का अंश है, बदला लेने का भाव है, पर क्या हुआ, किसका नुकसान हुआ, वो समझते हैं कि हम इनको छोड़ेंगे, नुकसान किसका हुआ, सोचो आप, कल्प कल्प का नुकसान कर रहे हैं। तो बहुत इसके ऊपर अटेंशन देना है भाइयों बहनों, हमारा काम है नई दुनिया की स्थापना करना, तो बाबा को सहयोग देना है, हमारा ही परिवार है ना। जैसे परिवार में सभी प्रकार के होते हैं, तो कोई सतो होता है, कोई रजो होता है, कोई तमो होता है, तो अपने परिवार के भाई बहनों को संभाल लेना चाहिए, ना कि बीमारी के जम्स वायुमंडल में फैलाने हैं। तो ये जो सूक्ष्म पाप है बाबा ने का अंश, इससे माया का वंश बढ़ने लगता है और फिर सर्वोच्च अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते। आज बाबा ने अशरीरी बनने की बहुत सुंदर विधि बताई है, इसके ऊपर पूरी मुरली चली है। आज तो उसमें का एक ही शब्द आया है कि प्रीतम आन मिलो, सच्चा प्रीतम एक शिव बाबा है। ये भी समझने को बहुत टाइम लगता है भाई बहनों को कि प्यार का सागर शिव बाबा है। आप किसी भी देहदारी से प्यार अनुभव करके संपूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते हैं, असंभव है, क्योंकि सभी आत्माएं इस समय खाली है।
इसलिए बाबा की श्रीमत है, सी फादर एंड फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर। इसको ठोक पीट के अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह से बिठाना है कि कोई भी ब्रदर एंड सिस्टर संपन्न और संपूर्ण नहीं है। तो जब तक संपन्न और संपूर्ण नहीं है तो उसके अंदर सर्वगुण कैसे दिखाई देंगे? कभी आपको गुण दिखाई देंगे, कभी आपको कम गुण दिखाई देंगे, है ना। तो संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ ही है ना ये आत्माएं। तो हमको उनको सहयोग देना चाहिए कि ये भी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करे। तो चेक करें दिन भर में, क्या मैं मेरे द्वारा जाने अनजाने में ये सूक्ष्म विकर्म होता है, और अगर होता है तो आज से इसे बंद कर दे। एक तो देखना नहीं है और सुनना भी नहीं है, और वायुमंडल में तो फैलाना ही नहीं है। देखना, सुनना और बोलना, है ना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डिटैच हो जाओ वहां से, साक्षी हो जाओ, बाबा को सुनाओ, ठीक है ना, क्योंकि यही बातें डिस्टर्ब करते रहते। चित्त को मैला नहीं करना है, चित्त को स्वच्छ करना है। जितना चित्त स्वच्छ होगा उतना बाबा की याद ठहरेगी, क्योंकि मैले चित्त में परमात्मा कैसे आएगा? बाबा ने कहा ना, दिल साफ होना चाहिए, क्योंकि इतना ऊंचे से ऊंचा बाप छोटे दिल में रह नहीं सकता है। बाबा ने अभी मुरली में कहा था, बड़े ते बड़ा बाप छोटे दिल में कैसे रह सकता है? तो असत्य बातें सुनना, देखना, फैलाना, ये छोटा दिल हो गया। आप भगवान के बच्चे नहीं कहला सकते अपने आप को, क्योंकि भगवान ये सब नहीं करता। कितनी सारी बातें सुना सकते हैं? देखो, बाबा ऊपर बैठ के सब देखता रहता है। जब बड़ी दादी का शरीर छूटा, प्रकाशमणि दादी, तो रोज बाबा का मैसेज आता था। तो बाबा ने एक दिन बड़ी दादी को ऊपर से दिखाया कि क्या चल रहा है। तो दादी को आश्चर्य हुआ, और दादी ने आश्चर्य में कहा कि बाबा ये सब चल रहा है और आप देखते रहते हो? और बाबा बिल्कुल साक्षी। आप सोचो, बाबा को पता है कहाँ पर, कौन से सेंटर पर, कौन से गांव में बाबा का बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन बाबा साक्षी होके देखता रहता है, क्योंकि फ्री विल है, हर आत्मा को फ्री दिया हुआ है कि उसको अपना भाग्य बनाना या बिगाड़ना उसके हाथ में है। तो माया के वश होकर कुछ बाबा के बच्चे ऐसा कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन बाबा इंटरफेयर नहीं करता इसमें। बाबा साक्षी होके देखता रहता है कि ये आत्मा, पता नहीं, इसको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। अभी तो मौज कर रहा है, लेकिन आगे चलकर पता नहीं इसको ये रियलाइजेशन है या नहीं। इसलिए बाबा को रहम आता है, और क्या कर सकता है बाप, क्योंकि बाप किसी के कर्मों में इंटरफियर नहीं कर सकता। उसको भाग्य विधाता कहते हैं, वो विधान करता है कि बच्चे ये करोगे तो ये मिलेगा और ऐसा करेगा तो ये मिलेगा। रूल्स ऑफ द गेम बताता है। अभी इससे अपना भाग्य बनाना है नहीं बनाना हमारे हाथ में है। तो चेक करो, क्या हमारे द्वारा जाने अनजाने में विकर्म होते हैं या सुकर्म होते हैं, और हमारी प्रीत क्या एक बाप से है या हम बहानेबाजी की माया में फंसे हुए। क्यों नहीं योग किया? नहीं, थक गए, टाइम नहीं मिला। अभी दुनिया में भी ये एक्सेप्ट नहीं करते, टाइम नहीं मिला। टाइम सबके पास होता है, प्रायोरिटी अलग होती है, हर एक की प्राथमिकता अलग होती है। तो जब कोई बाबा का बच्चा कहता है क्या करे, योग के लिए टाइम नहीं मिला, तो समझना चाहिए कि इसके जीवन में प्राथमिकता है ही नहीं, प्रायोरिटी नहीं है कि याद में बैठकर अपने विकर्म विनाश करे। टाइम पास कर रहे हैं, इधर उधर की बातें, या झरमुई झगमुई बाबा का शब्द है, लून पाने बनने की बातें। अभी भट्टी चल रही है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उधर आके समाचार सुनाते एक दूसरे को क्या क्या चल रहा है, किसकी अवस्था कैसे। अभी इसका क्या क्या कनेक्शन, आप किस लिए आए हो, कर क्या रहे हो? तो चेक करो, ऐसे संगति संग दोषा, ऐसे संग से भी हमको बचना है। बहाना कभी नहीं देना है स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि नुकसान अपना ही होता है। उसके बगैर वैराग्य वृत्ति इमर्ज नहीं होगी, और योग लगेगा नहीं, विकर्म विनाश होंगे नहीं, तब माया विकर्म कराएगी। तो प्रीतम को याद करना, इसके लिए चार शब्द आपको सुनाते हैं। इसके ऊपर पूरी मुरली है 1980 की, अशरीरी बनने की सहज विधि, मुरली का टाइटल है, और उसमें बाबा ने चार बातें बताई। जो अशरीरी बनना चाहते हैं तो चार बातें याद रखो, प्रीत, मीत, गीत और रीत।
प्रीत, सच्ची प्रीत एक बाप से होनी चाहिए और वो हमारा सच्चा मीत है और उसके प्राप्ति के गीत गाने चाहिए, है ना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, इसे लौकिक में कहते हैं। और रीत है मैं अशरीरी हूँ, यही रीत है। तो इन चार बातों को ध्यान में रखेंगे तो दिल की प्रीत एक बाप से हमारी निरंतर जुड़ी रहेगी और हम उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। महसूस करेंगे कि मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, मुझे अशरीरी बनना नहीं है, मैं हूँ ही अशरीरी। प्यार के सागर, शिव बाबा की संतान, मेरा प्रीतम, सच्चा प्रीतम शिव बाबा है, मैंने उसे पहचान लिया है, मैं उसकी बन गई हूँ। बाबा मुझे प्यार के प्रकंपन भेज रहा है, बाबा से प्यार मेरे अंदर समाते जा रहा है। बाबा ने मुझे संपूर्ण स्वीकार किया है, मुझे प्यार दे रहा है, बाबा का प्यार मेरे अंदर समाते जा रहा है, वैसे मैं तृप्त संतुष्टता का अनुभव कर रहा हूँ, मैं संपन्न और संतुष्ट हूँ। मैंने आज महसूस किया जाने अनजाने में असत्य और व्यर्थ बातें मुझ आत्मा को उड़ने नहीं देगी, इसलिए अभी से मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ कि बाबा पहले तो न व्यर्थ और असत्य को देखूंगी और न सुनूंगी और उसे किसी भी प्रकार से वायुमंडल में फैलने नहीं दूंगी, न फैलाऊंगी। सदा उड़ती कला का अनुभव करूंगे और हर आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखूंगे। मैंने आज महसूस किया है कि पढ़ाई से ही श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होगी, इसलिए खुद भी पढ़ूंगा औरों को भी पढ़ाऊंगा, अपने कर्मों के द्वारा गुणों का दान दूंगा, किसी भी प्रकार की बहानेबाजी नहीं दूंगा। मुझे महसूस हो रहा है कि पूरी दुनिया मरी पड़ी है, यहाँ अल्पकाल का माया का सुख है। बाबा मिला, सब कुछ मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बाबा के प्यार को, अविनाशी प्यार को, अनकंडीशनल लव को महसूस कर रही हूँ। बाबा के प्यार से मैं आत्मा भरपूर हो चुकी हूँ, तृप्त के इस एक जन्म का परमात्म प्यार मुझे अनेक जन्म संपन्न बनाने का अनुभव करा रहा है। ओ शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और बाबा की आंखों से प्यार का सागर लहराता हुआ मेरे अंदर समाता जा रहा है। बाबा ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया और बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहा है। बाबा मुझसे कह रहा है कि बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो, मैंने तुम्हें संपूर्ण स्वीकार किया है, तुम ऊंचे ते ऊंचे बाप की ईश्वरीय संतान हो, महान हो, तुम्हें इस दुनिया के बीमारी रूपी माया के जम्स को समाप्त करना है और मेरी सर्वशक्तियां मैं तुम्हें दे रहा हूं, जाओ विश्व को पवित्र बनाओ, आत्माओं को पवित्र बनाओ, उन्हें दुखों से मुक्त करो,
मैं आत्मा मुस्कुराते हुए बाबा से दृष्टि और शक्तियां ले रहे हूँ और बाबा से पक्का वायदा प्रतिज्ञा कर रहे हूँ। हाँ बाबा, आप जैसा बोलोगे वैसे ही होगा। मैं हमेशा आपकी श्रीमत पर चलूंगी और माया की बीमारी को खत्म करने के लिए निमित्त बनूंगी। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।